करने वाला एंड होगा, अभी फिलहाल कोई ये मूड में है नहीं, बकवास फोन भरते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम बकवास एंड में मूड भरते एंड में मूड भरते रहेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। दोस्तों मैं हो गया इसको के लिए तैयार, और मुझे अभी दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बनानी थी, लेकिन मैडम बोली कि पहले नाश्ता कर लो उसके बाद बनाना। तो देखते हैं किचन में मैडम ने हमारे लिए नाश्ते में क्या बनाया है। तो हमारा नाश्ता हो गया तैयार, मैडम ने बनाई चाय और ब्रेड सेक दी है। चलो, ये तो मेरी फेवरेट है वैसे। और लंच में क्या रख रहे हो आज? आलू का पराठा। आलू का पराठा है, तुम स्कूल जाओगे बेटा? अच्छा, तो दोस्तों हम निकल रहे हैं अभी स्कूल के लिए। अभी हेड का फ़ोन आ रहा है कि वो भी हमारे साथ जाएंगे, तो पहले अभी हमें उनके घर जाना है। वो आज थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसलिए आपसे लौट के खुल के बात करेंगे। अभी तो हमने निकलना है। ला बेटा हेलमेट दो। ओके ओके, बाय बाय। तो प्रेरित की एक्टिविटी अभी फाइनल हुई है। इसने ये कलर पेपर वगैरह अभी चिपकाए, बहुत कूड़ा कर दिया था इसने, तो उसने सफाई भी कर दी। मम्मी के लिए काम नहीं बढ़ाया। आज मम्मी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है। मैंने दवाई लगा दी, मैंने मम्मा से बोला मम्मी ज़्यादा काम मत करना। हम लोगों ने सफाई कर दी है, मतलब सब कुछ सेटल कर दिया, बस झाड़ू रह गई है। तो मम्मा बोली मैं लगा लूँगी, टाइम हो रहा था हमारा, तो हम लोग तो नहा लिए। और इस समय अभी मम्मी बना रही है मेरे लिए आलू के पराठे। ये है मेरा नाश्ता आज का, है ना? प्रेरित भी अभी करेगा, वो अभी ब्रश करा नहा के फिर खा कर लेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की शुरुआत आज सर कर चुके हैं, बट मैं सुबह से आप लोगों से नहीं मिली थी, तो इसलिए मेरी तरफ से थोड़ा लेट गुड मॉर्निंग मिल रहा है आपको। अभी 9:45 बज रहे हैं और मैं प्रेरित को छोड़ने इसके स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि प्रेरित के पास आज उसका प्रोजेक्ट का भी कुछ सामान है। और प्रेरित को साइकिल चलाने से उसके पैर में भी दर्द हो जाता है। नीचे सब्जी वाला सब्जी बेचने आया, उसकी आवाज़ देखो, मुझसे ज़्यादा तो उसकी आवाज़ आ रही है। पहले उसकी सुन लेते हैं। तो सब्जी वाला चला गया दूर, उसकी आवाज़ हो गई थोड़ी सी कम। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अब हम निकलते हैं, फिलहाल इसको छोड़ने चलते हैं। ठीक है, चले, चलो बाय बोलो सबको। बाय, स्कूल से आने के बाद मिलेंगे। स्कूल से आने के बाद मिलेंगे, प्रेरित कह रहा है। अभी स्कूल के गेट पे आते हैं और स्कूल दिखाते हैं सबको। ठीक है, ओके। तो हम पहुँच गए प्रेरित के स्कूल। वहाँ इसके स्कूल का स्टाफ खड़ा है, इसलिए मैं वहाँ जाके ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। और प्रेरित तो पहुंच गया, और पीछे से शायद अगर आपको प्रेयर की भी आवाज़ आ रही हो, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। तो इससे सीनियर बच्चे जो पहले आ जाते हैं उनका प्रेयर शुरू है। देखिए पीछे वो जो येलो से कलर का है, वो इसके स्कूल का गेट है। तो मैं पहुंच गई हूं घर, और रास्ते में ही सर की कॉल आ गई थी कि सर सुबह अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करके गए थे, जो उनका दूसरा चैनल है गोविंद गोपाल, और उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि सर को निकलना था। तो अभी मुझे उसकी एडिटिंग करनी है और वीडियो को अपलोड करना है। तो फ्रेंड 12 बजने वाले हैं और मैं सो के जग गई, और मुझे आज जब मैं सोई मुझे ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैं गर्म चादर ओढ़ के सोई। और अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब सभ्यता आने वाली होगी तो उसके लंच की तैयारी करते हैं। थोड़ी ही देर है सभ्यता के आने में, फिर आज मुझे प्रेरित को बुलाने भी जाना है। और देखती हूँ अगर सभ्यता को नींद नहीं आई और सभ्यता को लगा कि वो स्कूटी पर जा सकती है, वैसे उसको स्कूटी का शौक है, अगर बोल दूँगी तो बुला ला तो वो झट से तैयार हो जाएगी। तो देखती हूँ अगर वो आने के बाद क्या कहती है, तब पता चलेगा कि आज प्रेरित को लेने कौन जा रहा है। हवा चल रही है बेटा आज तो। क्या? दही लिया। कहाँ से? दुकान से, अग्रवाल वाले से। वो लिया, आनंदा का डिब्बा लिया, चाहे अग्रवाल वाले से लिया, जिससे तेरा मन करे। मैं यहीं खड़ी हूँ, साइकिल से जल्दी आ जाएगी, फटाफट जल्दी जाओ बेटा। सभ्यता आ गई, आपको दिख रही है, देखिए वो आ रही है। ये साइकिल से घर का कोई काम नहीं करती है, आज कर दिया इसने साइकिल से घर का काम। ये पहली बार बिना बैग के साइकिल चलाई है मैंने। मैं यहीं लेट सो रहा हूँ। क्यों, तू सो जाना खाना खा के? मैं तो ये सोच रही थी तुझसे कहना पड़ेगा कि प्रेरित को बुला ला। बिल्कुल नहीं, तो प्रेरित को इसी सर से बुलाने जाएगी कि तू प्रेस के कपड़े डाल के आएगी? हाँ, ले जाऊंगी ना। अच्छा, ये देखिए ये बन रहा है मेरा आलू का परांठा, जो कि दोनों बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, मोस्टली सभी बच्चों का फेवरेट होता है। और सब तक खुश हो गई, मैंने उससे दही और मंगा लिया, और वो दही से खा रही है, उसको मजा आ गया। आराम से बुला के लइयो उसे, ठीक है, कपड़े ले जा प्रेस के।
निकालो गाड़ी। प्रेस के कपड़े मत भूल जा। हाँ? और आगे करूं? ओके जाओ। आज मैं साइंस की एक्टिविटी लेके गया था ना, तो आज मैम मुझे प्रिंसिपल सर के पास लेके गई। सर ग्राउंड में खड़े थे और फिर सर ने देखा। वैसे मैम ने बोला था कि तुम एक्सप्लेन करना, लेकिन सर बाहर खड़े थे तो मैम ने एक्सप्लेन कर दिया। बस मैंने दिखाया सबको अपने पूरा प्रोजेक्ट, तब जाके फिर सर ने इसको बोला वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैम ने मेरा फोटो भी खींचा एक्टिविटी के साथ। अरे वाह, आज सही टाइम पे है। आज सही टाइम पे आए, आज कहीं नहीं होते, मौसम फर्स्ट क्लास। गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी यहाँ से बंद। क्या लाए हैं? केले। केले सही। आज जब मैं तुझे स्कूल से छोड़कर आ रही थी तब सोच रही थी केले ले लो, तो मैंने कहा छोड़ो। हेलो दोस्तों, तुम्हारी मैडम ने आज मेरे ला दिया। जिस कमरे के अंदर प्याज काटने बैठ गई हैं और पंखा चल रहा था बहुत तेज, आंखें जलन कर रही है। लेकिन फिलहाल हम अब जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने। हमारे एक दोस्त की कॉल आई, उसने हमें बुलाया है, उसको कुछ काम है लैपटॉप में। प्रेरित को बुला के लाना है। अब नहीं, और क्या, प्रेरित क्यों नहीं आएगा? जब स्कूटी से गया तो स्कूटी से ही वापस आएगा। यही चक्कर है, स्कूटी अगर ले जाता हूँ तो मुझे प्रेरित के ट्यूशन के टाइम तक लौट के आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। ये मैंने भिंडी बनाने की तैयारी कर ली है, भिंडी काट ली है, तोरी बनाऊंगी मैं सर के लिए, प्याज भी काट लिया, और मैं बनाऊंगी आज दही वाली भिंडी। आज दही मंगाया था मैंने आलू के परांठे के लिए, थोड़ा सा बच गया है तो मैं दही वाली भिंडी बनाती हूँ। और सभ्यता कर रही है शाम की सफाई, थोड़ी सी हेल्प मैंने करा दी थी, झाड़ू लगा रही है। मंदिर में से भी निकाल ले बेटा, मंदिर का पर्दा खोल ले। ये भी कमरा हो गया साफ, और ये वाला भी कमरा साफ हो गया। सर चले गए हैं तो अच्छे से साफ हो गई है ना गोकी? पापा होते ना घर पर तो हाँ, इस चादर को बिगाड़ इधर बैठ उधर बैठ, तो वो काम नहीं करने देते। अब ढंग से सफाई हो गई है ना। तो ये हो गई मेरी शाम की दोनों सब्जियां तैयार। तो दोस्तों, मिलके आ चुके हैं अपने दोस्त से, उसे जो चाहिए था हमने उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया। फिलहाल मैडम भी मुझे लग रही है कि अपने किचन के काम से फ्री हो गई है, हाथ में धोके शायद इनकी तैयारी भी छत पे जाने की होगी ना। और मैं भी हाँप रहा हूँ। और मैं आ गया हूँ, मुझे इसको ट्यूशन से बुला के लाया। और हम ये लाए हैं साथ में लेके आए हैं ये। ये क्या है? ये बताओ, गैस करो। गैस कोई मीठी चीज है? ये वो चीज है जो आज अब जो है 14-15 दिन तक लगाते हैं। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन था। दोस्तों, शाम के खाने का समय हो गया और हम जब किचन में आए तो मैं देखा मैडम ने रोटी सेक दी है। हमारी की सब्जी अलग है, हम तोरी की सब्जी से खाना खाएंगे, बच्चे भिंडी की सब्जी से खा रहे हैं, वो उनकी फेवरेट है। नहीं, तोरी की सब्जी ये रही, अच्छी लग रही है ना। हाँ, मज़ा आ जाएगा। उनके पैरों में दर्द अब फिर से होने लगा, जो सुबह हुआ था दोपहर को राहत मिल गई थी, लेकिन अब शाम को फिर से पैरों में दर्द होने लग गया है ना। चलो मालिश कर देते हैं। तो अब लास्ट में मम्मी कर रही है डिनर, हम सबका हो गया, पापा का भी हो गया। अब मैं करूँ थोड़ी सी पढ़ाई पापा से, करें पापा स्टार्ट। चलो ठीक है। तो दोस्तों, हम बैठे थे स्कूल का कुछ काम करने के लिए लैपटॉप पर, लेकिन हमारी बेटी आ गई। इसकी कई दिन से डिमांड थी कि पापा मुझे थोड़ा टाइम दे दो और मुझे 10th क्लास की मैथ का सर्किल चैप्टर पढ़ना है। तो मेरे को ये समझना था पापा से, पापा ने पूरा समझा दिया मेरे को, सारी थ्योरम वगैरह सब समझा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ इसकी एक्सरसाइज करने। ठीक है, इसको क्या हो गया, ये अभी से आके सो गया? ये बेटी हमारी पता नहीं अब कितने बजे तक पढ़ेगी। अभी सिर्फ 8 बजे और अभी से ऐसा मौसम ऐसा हो गया। देखो मैं कैसे सो सकता हूँ। देखो इसको क्या भूत चढ़ गया, क्या हो गया था तेरे को? कैसे चल गया भाई? थोड़ी देर में ब्रेक लिया था। ब्रेक ऐसे नींद आ गई थी बिल्कुल। इन्होंने ब्रेक लिया था, अभी ये कर रहे हैं हाई स्पीसीज की तैयारी। और इन्होंने पिछले 5 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अभी आंख लगा के अपनी थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बिल्कुल। और परसों से पेपर है, स्कूल खुलने पे इसका थोड़ा निकाद असर पड़ा कि ये पढ़ाई करने लगा, प्रोजेक्ट भी तैयार किए इसने, स्कूल में तारीफ होने लगी, तो थोड़े इसके अंदर एनर्जी आई पढ़ने के लिए। अलीगढ़ में एक केस कोरोना पॉजिटिव का निकला है टेस्टिंग के द्वारा, तो अगर ये टेस्टिंग और बढ़ी और इसमें और कोरोना पॉजिटिव केस निकले अलीगढ़ में सख्ती होगी, और सख्ती में सबसे पहले स्कूल बंद हो गए। वो तो हमको ही पता है। 25 तारीख से इनके ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम खत्म होने तक कितना टाइम हो जाएगा कि पता चल जाएगा
असल में कोरोना की स्थिति बढ़ेगी या घटेगी। आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, आपको पता चल जाएगा। तो हम देंगे आपको ऐसी ही कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट, बस आप हमारे चैनल पर नहीं रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो लॉग एंड करना है अभी तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही है और अब हम थक चुके हैं, हम जा रहे हैं सोने, हमारा बेटा भी जा रहा है सोने, हमारी जारी बेटी पढ़ने, और हम आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में फिर से। ये पापा के अंदर न्यूज़ वाली आग किससे निकलती है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हमने आज ब्लॉग एंड किया है, ये आप घर पे ना करें क्योंकि हमारे ब्लड में पहले से ही प्लैटिनम। मिस्टर इंडियन हैकर। अब ये किस बात का? इंडियन हैकर, इंडियन हैकर का फोन लगा तोड़ दिया, आधे घंटे बाद एंड होगा। अभी फिलहाल वो ये मूड में है नहीं, बकवास फोन भरते रहेंगे। दोस्तों अभी हम बकवास एंड में मूड भरते एंड में मूड भरते रहेंगे। तो दोस्तों बज रहे हैं रात के 9:30 और मुझे अभी एक खबर मिली है, उसको मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा, इसलिए उसके लिए मुझे अभी वीडियो बनानी है, फिर उसको एडिट करके तब सोऊंगा। और मैडम तैयारी कर रही हैं अब सोने की, साथ ही साथ हमारा बेटा भी आ गया है यहाँ पर वो दम मचाने अपनी पढ़ाई पूरी करके, लेकिन ये थोड़ी देर मस्ती कर करा के अपना सोने के लिए चला जाएगा। और मैडम को ये फ़ोन चाहिए ये वाला, क्योंकि इसमें इस ब्लॉग की एडिटिंग होगी, ये भी वीडियो फाइनल होनी है, मुझे अपनी भी वीडियो फाइनल करनी है। तो बस अभी आध और घंटे का काम है, उसके बाद फिर हम सोएंगे, और इसलिए आज हम इस ब्लॉग को अपना यहीं ख़त्म करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो आज इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।